गोरखपुर में आज अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी और लूट के अनेक सामान बरामद किए गए। साथ ही शराब के अवैध कारोबार करने वाले जिले के ही जज सिंह को भारी मात्रा में प्रतिबंधित स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया। जनपद में हो रहे अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलीपार पुलिस ने डवरपार के पास जज सिंह को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर 12,000 लीटर प्रतिबंधित स्प्रिट, भारी मात्रा में ढक्कन, बंटी बबली स्टीकर, बारकोड आदि बरामद। वहीं एक दूसरी घटना का खुलासा करते हुए चोरी के मोबाइल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अमरेंद्र और सोनू सिंह के रूप में हुई। वहीं एक अन्य लूट और चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी के सामान के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इंस्पेक्टर शाहपुर की टीम द्वारा एक शातिर नकबजन जो गृहभेदन करके घरों में चोरी करता है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका एक साथी अभी फरार है। उसके गिरफ्तार करने के बाद जनपद की कई नकबजनी और चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है और इसके कब्जे से सोने और चांदी के तमाम जेवरात बरामद किए गए और गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 3 घटनाओं के में अपने साथी के साथ शामिल होकर घटना वारदात करने की बात को कबूल किया, जिस घटना का खुलासा किया गया। इसने अब तक दर्जनों घटनाएँ की हैं। इसका पूर्व में और अधिक इतिहास रहा, पहले भी जेल जा चुका है। अब की इससे गिरफ्तारी के बाद 3 घटनाओं का इससे खुलासा हुआ और घटनाओं में चोरी के सामान बरामद किया गया। ये जटेपुर उत्तरी शाहपुर थाना क्षेत्र से ये 2 लड़के पकड़े गए हैं जनता के सहयोग से, जिनके पास से 1 अदद मोबाइल जो कि चोरी का मोबाइल था, जो इन्होंने ठीक कुछ दिन पहले ही एक वृद्ध महिला से छीना था, वो भी बरामद किया गया है। इनका इसके पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है, लूट में जेल जा चुके हैं और यह आज इसी संबंध में पेशी की जा रही है। नहीं, बस इनका जो अब तो मुख्य काम है वो अभी इनका कोई भी उस प्रकार से पैसा सामने नहीं आया है। ये अभी लूट में गए थे, कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूट गए हैं, दोबारा जेल जा रहे हैं चोरी। जनपद गोरखपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम के प्रभारी सत्यप्रकाश और धीरेन्द्र राय और आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव के ज्वाइंट ऑपरेशन में 60 ड्रम स्प्रिट, 60 ड्रम्स स्प्रिट, जिनमें लगभग 12,000 लीटर स्प्रिट है, बरामद की गई है डबर पार्क के आसपास। और इसमें जो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहा था हरियाणा से, उसे इसकी डिलीवरी यहीं गोरखपुर में ही देनी थी। उससे संबंधित जो व्यक्ति उसकी रिसीविंग जिन्हें करनी थी, उनके क्रमशः जो नाम हैं वो हैं सौरभ जायसवाल और अर्जुन जायसवाल। और जो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहा था वो व्यक्ति मूल रूप से पटियाला पंजाब का रहने वाला है, उसका नाम है जस सिंह। और इस के अतिरिक्त इससे यूरिया और बंटी और बबली ब्रांड के रैपर्स और IGL के ढक्कन इत्यादि अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये इस स्प्रिट से बहुत सारी मात्रा में शराब की बनाने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है और लगभग 12,000 लीटर स्प्रिट से काफ़ी मात्रा में, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचती, की शराब बनाई जा सकती। नहीं, वो लोग मौके से नहीं पकड़े जा सके। जिन्हें ये बेचने आ रहा था, मैंने उनके नाम अभी आपको बताए हैं, जिनको डिलीवरी लेनी थी इसकी, और मालिक से, इसके मालिक और ये और जो डिलीवरी लेने वाले थे, इन सब का पूरा एक तंत्र था जिस संबंध में ये कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग के ज्वाइंट ऑपरेशन में, और पुलिस को अच्छी सफलता इसमें मिली है। सर, ये देसी बात है कि अंग्रेजी भी बना? इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देसी तो बनाई ही जा सकती है, अंग्रेजी बनाने की भी संभावना लगती तो है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नकली बनाई जा सकती है उस बारे में, इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं।
देख रहे हैं CN24।